तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिक्स ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसा हो सब? मेन बात तो पड़ेगा गाइस। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आज गोल्डन टेम्पल अमृतसर घूमने, गुरु रामदास जी महाराज जी की नगरी में अमृतसर में। और फिलहाल अभी यार हम लोग गोल्डन टेम्पल घूमने जा रहे हैं, और मैं आपको इस पूरे गोल्डन टेम्पल का जो है ब्लॉग दिखाने वाला हूँ, जो कि कितना मतलब यहाँ पे पब्लिक आती है यार, कितना फेमस है यहाँ पे, एंड यहाँ का पूरा जो एरिया है वो आपको मैं दिखाऊंगा। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं और उसके मैं आपको ब्लॉग दिखाता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी हम हैं इस चौक में। फिलहाल जो एंट्री पॉइंट है फ्रेंड्स, पीछे आप देख सकते हो, वहाँ से एंट्री पॉइंट है इसका। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है यहाँ पे, एंट्री पॉइंट है, बट ये जो है मेन पॉइंट है यहाँ का, ठीक है? और अभी हम आ चुके हैं फिलहाल इस चौक में। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये महाराजा रणजीत सिंह जी महाराज जी की पूरी प्रतिमा जो है यहाँ पे लगी हुई है। सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये महाराजा रणजीत सिंह जी हैं, ठीक है? तो उनकी यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। तो गाइस आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है अंग्रेज वगैरह भी आ चुके हैं, मतलब टूरिस्ट वगैरह यार काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, और बहुत ही जो है इंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम लोग हैं अभी यहाँ पे, ठीक है? और चलते हैं आगे, और पूरा जो है आप देख सकते हो वहाँ पे, यहाँ से फ्रेंड गोल्डन टेम्पल का रास्ता जाता है, ठीक है? और पूरी जो है यहाँ पे मार्केट है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ, एंड पूरे जो है गोल्डन टेम्पल का व्यू दिखाता हूँ, ठीक है? तो लेट्स गो। सो है गाइस, फाइनली यार हम लोग दरबार साहिब के स्थान पे पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हो कि ये है यहाँ का जो है एंट्री पॉइंट है, जो हमारे गोल्डन टेम्पल का एंट्री पॉइंट है यहाँ से। और यहाँ से फ्रेंड्स अंदर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 4 गेट हैं फ्रेंड्स, और 4 गेट से एंट्री पॉइंट है यहाँ का, वहाँ से आप अंदर जा सकते हो। और फ्रेंड्स उधर जो है झरना वगैरह यहाँ पे हैं, और उधर जोड़ा घर है, यहाँ पे आप अपने जो है स्लीपर्स एंड शूज़ ईजली तरीके से सेफली रख सकते हो वहाँ पे, ठीक है? तो फिलहाल अभी यार तो हम लोग चलते हैं अंदर, और दरबार साहब का पूरा जो है आपको व्यू दिखाते हैं, ठीक है? सो है गाइस, फाइनली यार हम लोग अंदर आ चुके हैं, और आप देख सकते हो हमारे सामने गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब है। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है यार, और आप देख सकते हो कि ये है गुरु रामदास जी सरोवर। फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको कि यार यहाँ पे आके सुख शांति समृद्धि मिलती है, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही जो है शांति मिलती है यहाँ पे आके। और अभी आप देख सकते हो कि वहाँ से फ्रेंड्स जो है अंदर जाने का पॉइंट है, मतलब अंदर जाने का गुरुद्वारे में दर्शन करने का, वहाँ से आप देख सकते हो कि लाइन लगानी पड़ेगी काफ़ी। मुझे लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो फ्रेंड्स उस जगह भीड़ है, और इतनी ज़्यादा भीड़ है फ्रेंड्स कि मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे में नंबर आएगा दर्शन करने के लिए। और मैंने तो यार मैं दो दिन पहले से आया हूँ, मैंने 2 बार दर्शन कर भी लिए हैं। फिलहाल अभी आज निकलना है यहाँ से, और आज दर्शन करके निकलेंगे, चाहे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाए, और बहुत फ्रेंड्स मज़ा आता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ का आपने व्यू देखा, और मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ यहाँ के और गुरुद्वारे जो कि यहाँ पे हैं
और यहाँ का मैं लंगर हॉल दिखाता हूँ जो कि इंडिया की बिग रसोई भी बोली जाती है, ठीक है। सो लेट्स गो, चलते हैं और दिखाते हैं आपको। सो गाइस यार, हम लोग लंगर घर में आ चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये लंगर घर है, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। और आइए चलते हैं, दिखाते हैं लंगर घर का पूरा व्यू, जो कि कितने लोग यहाँ पे जो है जो रोज लंगर खाते हैं, और पूरा जो है आपको मैं यहाँ का दिखाता हूँ व्यू, ठीक है। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स यार, देख सकते हो यहाँ पे इसका यहाँ एंड में जाने के लिए, और यहाँ से आप थाली वगैरह ले सकते हो। तो ये गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और बहुत भीड़ है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और फ्रेंड्स से हम लोग चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। देख सकते हो यार, हम लोग आ चुके हैं लंगर हॉल में, और काफ़ी ज़्यादा जो है यार पब्लिक जो है लंगर खा रही है, छक रही है। आइए मैं चलता हूँ आपका रसोई घर दिखाने। काफ़ी ज़्यादा यार खाली है, और मेरी आवाज़ तो आपको नहीं पहुँच रही होगी, लेकिन तब भी बता रहा हूँ कि यहाँ जो है थाली का भंडार है, और यहीं से जो है थाली ली जाती है, ठीक है। तो है क्या सर, आपने लंगर हॉल देखा। तो फिर मैं बता दूँ यहाँ पे कि आपको दो बैच चलते हैं यहाँ पे, एक मैं नीचे का दिखा रहा था और एक ऊपर है। और फिलहाल फ्रेंड्स ऊपर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यार क्या ही मैं बताऊँ, कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे डेली का जो है फ्रेंड्स 1 लाख से भी ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पे जो है लोग लंगर जो है छकते हैं, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत ही फ्रेंड्स इतना अच्छा जो है लंगर यहाँ पे जो है मिलता है, जो कि मैंने यार खाया है खुद मैंने। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी वगैरह जो है यहाँ पे मिलती है, ठीक है। सो ये था फ्रेंड्स लंगर हॉल, क्योंकि आप देख ही लिया काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स जो है हर सेवादार जो है हर जो है कोई बर्तन धो रहा है फ्रेंड्स, एंड कोई जो है प्रसादी चला रहा है, दाल चला रहा है, चावल चला रहा है, पानी की सेवा कर रहा है, हर प्रकार के जितने भी यहाँ पे मेन्यू हैं वो उन प्रकार की जो है फ्रेंड्स सबने जो है संगत ने सेवा ली है, और उस प्रकार सेवा वो कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड ये था लंगर हॉल, और मैं आपको ले चल रामदास जी यहाँ निवास, ठीक है। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको व्यू, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हो यार, यहाँ पे श्री गुरु रामदास जी निवास है, और अंदर चलते ही यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इतना बड़ा जो है हाल फ्रेंड्स देख रहे हो आप। सो फ्रेंड्स ये जो हाल देख रहे हो आप, ये है श्री गुरु रामदास जी निवास। सो फ्रेंड्स कभी भी आप जो है पंजाब आते हो, अमृतसर आते हो, गोल्डन टेम्पल घूमने आते हो, अगर आपको रूम्स अवेलेबल यार नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे आप ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पे ओनली फ्री
फ्री में आप जो है चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे अकेले हो, चाहे कुछ भी हो, आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। बस आपका जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड वगैरह लगेंगे और आप यहाँ पे रह सकते हो चाहे कितने भी दिन, ठीक है। सो ये यहाँ पे शिव रामजादी निवास था और बहुत सारे फ्रेंड्स गुरुद्वारे यहाँ पे हैं। सो फ्रेंड्स कई जगह यहाँ पे यार निवास है, यहाँ पे माता गंगा जी निवास और कई ज़्यादा जो है बाबा दीप सिंह जी निवास यहाँ पे हैं और कई प्रकार के यार ठहरने की व्यवस्था यहाँ पे है फ्री में। अगर आपको होटल अवेलेबल नहीं मिलता तो यहाँ पे आप ठहर सकते हो, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये दीवान हॉल है यहाँ पे, दीवान हॉल मंजी साहिब, ठीक है। सो गुरुद्वारा है फ्रेंड्स ये, चलिए चलते हैं और आपको गुरुद्वारा दिखाते हैं यहाँ का। सो फ्रेंड्स देख सकते हो दीवान हॉल मंजी साहिब। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे ये दीवान हॉल मंजी साहिब है। आपने कभी देखा होगा जब पीटीसी पंजाबी पे गुरमत समागम होता है या फिर जो नित्यनेम होते हैं उसके बाद ख़त्म होने के बाद यहाँ पे कथा चलती है, तो फ्रेंड्स ये यहीं पे चलती है, ठीक है। ये मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ये यहाँ पे जो है कथा जो है यहाँ पे चलती है, ठीक है। हमेशा जो गुरमत समागम होते हैं यहीं पे होते हैं और कई प्रकार के ऐसे बनाए गए हुए हैं जो कि फ्रेंड्स कथा यहीं पे की जाती है, ठीक है। सो चलते हैं बाहर की तरफ। सो गाइस एक रास्ता है यार दरबार साहिब में जाने का, यहाँ पे भी है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे गठरी वगैरह रूम भी है, अगर आपका लगेज या सामान है तो यहाँ पे आप जमा कर सकते हो और यहाँ पे उत्तम ठहरने की व्यवस्था भी है। सो दरबार साहिब में वहाँ से फ्रेंड्स घूमते फिरते पूरे उधर से आ गए हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड लाइन लगी हुई है, सो बहुत लेट में होगा। एंड सो फ्रेंड्स अब हम निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि फ़ोन आ रहा था यार और हमें आज निकलना भी है जल्दी। सो आपने यहाँ का व्लॉग देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गोल्डन टेंपल का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको, दंदन बाबा दीप सिंह जी का जो है वहाँ गुरुद्वारा भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो है फ्री पानी की सेवा भी की जाती है, हर प्रकार के यहाँ पर आपको मतलब मैं बता दूँ कि आप भूखे तो नहीं रह सकते यहाँ पे, पंजाब में रह के भूखे तो नहीं रह सकते, ठीक है। और ये मैं दिखा देता हूँ बाबा दीप सिंह जी सहित गुरुद्वारा यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड देख सकते हो ये बाबा दीप सिंह जी सहित गुरुद्वारा यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स यार घूमने की जगह यहाँ पे तो बहुत है, लेकिन यार घूमते घूमते हालत ख़राब हो जाएगी, मतलब यहाँ पे इतना सारा घूमने का व्यवस्था है फ्रेंड्स, क्या ही मैं बताऊँ, क्योंकि व्लॉग तो ख़त्म होने वाला नहीं है यहाँ पे, चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो। और काफ़ी ज़्यादा जगह है घूमने के फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तो यार चलते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। और कभी आप अगर अमृतसर घूमने आते हैं, गोल्डन टेम्पल घूमने आते हैं, तो अगर मेरे माध्यम से वीडियो देख के आते हैं तो शायद आपको फ्री में रहने की व्यवस्था यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे आप पहले कभी भी आते हो तो यहाँ पे आप बाहर से होटल देखते हो तो वहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ अंदर ही दरबार साहब के अंदर ही यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे कई ज़्यादा निवास जो हैं मिल जाएंगे, ठहरने की व्यवस्था है, गठरी घर है और आपको कोई चीज़ की फ्रेंड दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कभी भी आइए आप घूमने और यहाँ पर आराम से घूमिए, आनंद लीजिए, भगवान का सिमरन कीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम करते हैं फ्रेंड्स व्लॉग का डी एंड, ठीक है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।